क्या खाके पैदा किया था मम्मा ने आपको? पिया नहीं, पी के देखूंगा पानी है कैसे। तो साबुन वगैरह का आप यूज ना करें। 150 रुपया इन्होंने दिया है। मैम ऑटोग्राफ प्लीज मैम। और ये सब अंदर से निकल के आ रहे हैं। 9-10 बजे तक बसें यहाँ से चलती है। बहुत स्वाद है ना? तो दोस्तों अभी निकले हैं, थोड़ा सा प्रसाद थी बांट लिया और देख रहे भाई बाणगंगा घूम करके आते थे, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम है अपने पास में। 1 बजे स्टेशन, 1 या 1.5 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना है, तो टाइमिंग बहुत है। 9:40 हो रहा है अपना, 11 बजे तक 12 बजे तक हम घूम के बाणगंगा से आ जाएंगे। तो चलिए इस बार फिर आपको बाणगंगा के दर्शन कराते हैं। सोचे भाई कि कम से कम आए हैं तो कम इतना तो करके जाए। चलिए आप सब भी साथ में एंजॉय करिए। अच्छा एक चीज़ और, मैंने 2-3 बार और वीडियो में पहले भी बोल दिया है, इसी स्टैंड से आपको ना शिवखोड़े के लिए बसेस मिल जाएंगी। तो जब भी आप उतरते हो अगर रेस्ट करके जाओ, याद रखना 7, 8, 9, 10 बजे तक बसें यहाँ से चलती है और शिवखोड़े के लिए मिलती है। ये टावर है यहाँ पे, ये जो पेड़ है ना, ठीक है, इस पेड़ के पास में शिवखोड़े के बस सकते हो। शिवखोड़े के लिए बहुत, कोई हाइपर होने वाला नहीं है कि आप हाइपर हो। बस ये ध्यान रखना बुकिंग, मतलब आप एक रात पहले कर लो, अगर एक रात पहले आ रहे हो ना, जैसे कल आपको शिवखोड़ी जाना है तो रात को बुकिंग करके आप आराम से शिवखोड़ी जा सकते हो। कल की बस है, रात तो कर लो, तो मॉर्निंग में भी आओगे तो आपको टिकट मिल जाएगी, ज़्यादा वो नहीं है, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और सीजन के ऊपर। अगर ऑन सीजन है तो मॉर्निंग में चांसेस कम मिलेंगे आपको, ऑफ सीजन है तो आराम से आपको बुकिंग मिल जाएगी यहाँ पे। तो मेन गेट के लिए ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पे, 150-150 रुपये लेते हैं, जिसमें आपको 4-5 लोगों को उसमें के डाल देंगे आराम से, मतलब डाल के देंगे, बैठा के लेके चले जाएंगे इसमें। तो चलिए ऑटो से निकलते हैं, आगे आपको ऑटो में मिलेंगे अब। तो भैया ऑटो वगैरह में बैठ गए, चलिए। कल आपने पैदल सवारी देखी थी जब दर्शन करने जा रहे थे, अब आप चल रहे हैं ऑटो के साथ। नहीं नहीं मंदिर नहीं जा रहे, जय माता बाणगंगा दोबारा जा रहे घूमने के लिए, कल दर्शन कराए हैं। नहीं नहीं बाणगंगा जा रहे हैं, 150 रुपये। तो कल जा रहे थे तब तो भीड़ इतनी नहीं थी, पर अभी है भाई साहब अच्छी खासी भीड़ है। जल्दी चलो मम्मा, अपन तो चेक पॉइंट से चेक करके बाहर निकल गए। ये जो क्राउड देख रहे हो ज्यादातर खच्चर वालों का है यहाँ पे, जो खच्चर वगैरह देते हैं। आपको चाहिए तो बाहर भी मिल जाएंगे, अंदर भी मिल जाते हैं। अच्छा पिछले व्लॉग में आप जाके देखोगे तो वहां तो पता चल ही जाएगा आपको। तो दोस्तों अब चल दिया वापस से बाणगंगा के दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी क्राउड ज्यादा है, किसी खच्चर उच्चर की लात पड़ गई तो यही बराबर हो जाऊंगा, क्योंकि खच्चर बहुत है आस पास में। जय टाइम हमारे पास बहुत, इस समय टाइम हमारे लिए बहुत, इसको निकालूंगा क्योंकि बोलने में दिक्कत हो जा रही है। तो इस समय टाइम बहुत कम है क्योंकि ट्रेन का भी, तो थोड़ा हम फास्ट मोड में है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और पहुंच करके दर्शन वगैरह करके बाणगंगा के रिटर्न हो जाए, आप सबको भी बाणगंगा के दर्शन करा पाए, इसलिए थोड़ा फास्ट है। चलो थोड़ा सा लंगर दिखाता हूँ, आज लंगर चल रहा है और क्राउड हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, वैसे यहाँ से लाइन लगती है और लाइन से चलते हैं सबके सब लंगर खाने के लिए। ये न्यू ट्रैक है, चालू है पर बस सर्विस नहीं है इसमें, आगे से भी रास्ता है ताराकोटी मार के नाम से, आगे भी रास्ते। जय माता दी। तो ऐसे प्रेम अपने को रास्ते में मिलता रहता है, वहीं से रास्ता नहीं बगल से उतरता है और आप जा सकते हो यहाँ से। अभी कुछ दिनों में चालू हो जाएगा ये, तो इसको मार्ग ताराकोटी मार्ग इसका नाम है, आप आराम से यहाँ से जा सकते हो। बस ये है कि उसमें खच्चर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये सोच के जाना, बैटरी का कोई साधन नहीं है, ना तो बैटरी की गाड़ियाँ चलती है। और एक चीज़ और, एक सेकेंड थोड़ी सांस फूल गई, थोड़ी देर में करता हूँ मैं ब्लॉग। हाँ खाने पीने की चीज़ें इस पर शुरू कर दी इन्होंने, ताराकोटी मार्ग के ऊपर भी पालकी चालू हो गई क्या? अभी नहीं हुई ना, तो ताराकोटी मार्ग के अंदर अभी पालकियाँ शुरू नहीं है, यही रास्ता ताराकोटी मार्ग में कनेक्ट करता है।
खाना वाना है इस पे, वो तो शुरू हो चुका है। तो आते बस ये ध्यान रखना कि बैटरी नहीं मिलेगी उसके ऊपर, बैटरी की गाड़ियां नहीं होंगी कुछ भी, और ना ही कोई पानी वगैरह की कोई फैसिलिटी मुझे लगता है कि अभी नहीं होगी जैसे मैंने पूछी। बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है। इनके मासी लेकर के घूम रही थी और ये सब अंदर से निकल के आ रहे हैं। अब ये गए कहाँ से? हाँ पहले लोग बताते थे, मैं पिछली बार आया था ना तो पहले पुराने कोई लोग मिलते बोलते भैया पहले हम आते थे ना पत्थरों पे चल चल के गए हैं, अब तो बहुत सुविधा कर दी गई है, सब कुछ करना पड़ता है। क्या आप देख पाओ, आप भी आओ तो आप भी घूम पाओ, क्योंकि जब तक कोई बताएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा फिर, इतनी मेहनत लगती है। प्लीज चलो इधर 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 आ जाओ पापा जी, आगे हैं जगह, तो इतनी मेहनत लगती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना और जय माता दी तो जरूर लिखना। माता रानी आप सबकी भी मुरादों को पूरा करें। थोड़ी सांस चढ़ जा रही है क्योंकि रुक ही नहीं रहे, पिछली बार बहुत रुकते रुकते जा रहे थे। ये गार्डन है, आप पिछले व्लॉग में भी देख सकते हो, मैं लिंक हर व्लॉग की लिंक है ना हर वीडियो के नीचे मैं पेस्ट करता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी जा करके पिछले व्लॉग को या पिछली सीरीज को देख सकते हो कि क्या चीज़ कैसे है। कौन हो? ये आई दुर्गा माता, देखो दुर्गा माता ने खुड़ेली माता हुआ। ओ भाई साहब ये कौन है? मैम ऑटोग्राफ प्लीज, मैम ऑटोग्राफ, मैम आपका चैनल, मैम मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, अपॉइंटमेंट दे दो फिर मैम कब मिलोगे? सामने खड़े हो, दे रहे हो नहीं दे रहे ऑटोग्राफ? तो यहाँ पर कलर वगैरह का भी काम एनी टाइम चलता रहता है। पिछली बार आए थे तो पानी बहुत ज्यादा था। हाँ क्योंकि यार बर्फ वगैरह पिघल गई है और बारिश के बाद में पिछली बार आए थे तो इसलिए पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, अभी कम है। मैंने एक रिक्वेस्ट वही करूंगा, मैं पिछली बार जैसे कहता आप आते हो तो चुन्नी वगैरह कपड़ा मास्क पानी की बोतल इसमें मत फेंको क्योंकि ये सारा चीज नीचे बह के जाएगा और आप सबको नुकसान होगा, क्योंकि पानी है ना ऑलमोस्ट खेती में भी काम होता है, यहाँ पे भी और नीचे भी। तो प्लीज आप यहाँ पर कचरा ना फेंकें, क्योंकि जितना हम प्रकृति को शुद्ध रखेंगे ना प्रकृति हमारे लिए उतना सपोर्टिव नेचर में रहेगी, और अगर इसको शुद्ध नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत हम ही को आने वाली है और किसी को नहीं आने वाली। ये फ्लाइट के पंख हम मुड़ गए, अब उड़ चुकी है, फ्लाइट के पंख मुड़ गए अब। भाई सर देखो एक से एक फुट, कभी कभी रेखे ही खिसक जाती है, बाकी टाइम बिल्कुल ठीक रहती है। देखा दोनों कैसे पकड़ाई गई आपकी, फोटो के लिए बोल दो भाई साहब, फोटो के लिए दुनिया छोड़ दे बिल्कुल, खाना पीना छोड़ दे दोनों के दोनों, बस फोटो से आइए। दोनों भाग के क्यों आइए? 150 रुपया इन्होंने दिया है, वो 150 रुपया खाली फोटो सेशन के लिए दिया है इन्होंने, खाली फोटो खिंचवा रही है जब से आई है सबके साथ। चलो भाई मैं चलता हूँ, अपनी तो कहीं वैल्यू ही नहीं है। तो मजाक मजाक छोड़ते हैं, आप व्यू देखिए और व्यू का एंजॉय लीजिए। मम्मी जी कूदने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? आप कूदने की प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा ऐसा है क्या? इनका भैया दोनों का फोटो सेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, 4000 साल हो गए, 4000 साल से फोटो सेशन चल रहा है, मैं बुढ़ा हो गया पर इनका फोटो सेशन नहीं खत्म हुआ। बस ये देखो फिर शुरू, मैं ही खिला रहा हूँ। चलो आ जाओ पापा जी, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो अपन चलो। हाँ ये है कि जैसे इस समय वो हो रहा है ना, यहाँ पे आते हैं तो साबुन वगैरह का आप यूज़ ना करें और ना ही फिर मैं क्या बोलूँ, बाद में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में मिलते हैं आप सबको। तो बाणगंगा पे आते हो तो सामान वगैरह है लोकर के, फिर यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, जो आप ये भैया रहते हैं हमेशा आप ही रहते हो? हाँ तो हमेशा यही मिलेंगे आपको। जय माता दी। चलो भाई जगह जगह माता के दिव्य दर्शन ऐसे मिल जाते हैं।
जय माता, जय हो माँ। अगली बार फिर बुलाना, जल्दी बुलाना। तो ये पदयात्री लोग, कुछ लोग खच्चर से, कुछ लोग पैदल, और ऐसा मोटा रहे ना बीच में आता है ब्लॉग वो करने के लिए। तो कुछ लोग पैदल से, कुछ लोग खच्चर और कुछ पालकी से माता के भवन तक जाते हैं और अपना दर्शन वगैरह पूरा कंप्लीट करके आते हैं। जय माता दी भाई, सब जय माता दी, जय माता दी। सिमरन का है मम्मी, कैसे चल रही है? देखो तो कैसे चल रही है, टक टक टक। जैसे बम मिला के चलेगी क्या? देखो चलो मैं देखता हूँ ना, सिमरन की और सिमरन के पापा की चलाई बिल्कुल सेम एक जैसी है। और वैसे अगर देखा जाए तो छुटकी की और गुन्नू की, ये दोनों बिल्कुल सेम एक जैसी चलती है, पैरों को झटका मार मार करते हैं। तो एक याद हो गई, देख सकते कि हाँ मैं मासी की जैसी थी। ये पानी में दो बार आया, सोचा पिया नहीं, जरा पी के देखूंगा पानी है कैसा। भी सही है, पी सकते हो, पीने का है। कप्पा उधर भी पीने का है, बीच में धोने के लिए। यहाँ पे पीने के लिए नहाना धोना मना है, पीने के लिए पानी है, पी सकते हैं। पानी अच्छा लगा यार, बाणगंगा के दर्शन करके आ चुका है। ये गेट है जहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये पूरा रास्ता है, आप यहाँ पर जाके चेक करा के जा सकते हो। तो चलते हैं अब, यहाँ से पदयात्रा है थोड़ी सी, एक जो 2-3 किलोमीटर की, वो करते हैं। ये अर्धकुंवारी के दर्शन का आप करे हो, वीडियो डिस्प्ले पे जो आ रहा है, फिर से करो। हाँ। तो सिमरन का भी एक सपना पूरा हो गया कि अपनी फैमिली के साथ दर्शन कर पाए। मैंने खैर अपनी फैमिली के साथ पहले दर्शन किया है, पापा रह गए, उनको कई बार बोलते पर वो काम के चक्कर में आ ही नहीं पाते हैं। तो इस बार देखेंगे तो उनको भी लेकर के आएंगे। तो इसको मतलब नहीं मम्मी पापा से, अपने नानों के साथ घूम रही है। नानू ये नानू तो बहुत, अच्छा तो बहुत पीछे रह जाएगी। बहुत अच्छा व्यू निकाल लेते हैं। चलते चलते बस जा रहे थे होटल की तरफ में, अब आसमान देखो, इधर इधर माता रानी का पूरा भवन है और ये भवन के बगल में देखो आसमान कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सुंदरता लगती है ना कि यही है, पहाड़ों में ही रह गई है सुंदरता। देखा जाए, आपने अगर कुछ माता से मांगा है और पूरा हुआ है तो लिखना कि भाई आपने क्या मांगा था और क्या पूरा हुआ। और अगर आपने आप आए हो तो कुछ कब आए थे, तब से अभी में क्या हो गए, क्या क्या चीज़ें बदल गई, वो जरूर लिखना है ब्लॉग के अंदर। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, जय माता दी। ट्विटर है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर है। आप किसी से भी पूछते पूछते आ सकते हो रास्ते के अंदर के भैया, अगर आपका नेट चल रहा है, आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आप गूगल करके चले आओ आराम से, 1.5 किलोमीटर रहता है, आप यहाँ पहुँच जाओगे। और नहीं तो आप किसी से पूछते पूछते भी आ जाओगे तो बोल देना किसी को भी कि भाई मुझे कटरा बस स्टैंड पे जाना है, वहाँ आ जाइए, वहाँ पे भर के खूब सारे होटल हैं और यहीं से चढ़ाई भी होती है तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता है। तो ये आ गए अपने होटल पे, हम अब चलते हैं रेस्ट करते हैं। हाँ जी हाँ जी, माता रानी की बनाना। माफ करो मेरे को माते, कौन से नक्सल में क्या खाके पैदा किया था मम्मा ने आपको? लिपस्टिक लगाओ, लिपस्टिक खाके पैदा किया था गुजिया, गुजिया खाके पैदा था। दूसरा हो ना गुजिया तो खाना होता किसी, ऐसा पीस निकलता गुजिया खाने से मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों बाणगंगा घूम के आ चुके थे, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, टाइम अभी बज रहा है 12:10, बस अब लंच करेंगे, लंच करके और यहाँ से निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। लंच में ये 80 रुपये की थाली मिल रही है यहाँ पे, जिस होटल में रुके हैं ना वहीं पे 80 रुपये की थाली में 1, 2, 3, 4 तवा रोटी, अचार, सलाद में से मूली मिलता है यहाँ पे, दाल और सब्जी। तो ये 80 रुपये की थाली है, ये आप सब देख के खा सकते हो। बहुत मतलब गांव का जो अपने घर का जो है ना वैसा ही आपको मिलेगा। तो चलिए जैसे थाली रखे ना वैसे खाओ, नहीं वो रोटी वैसे रहें तो रोटी उसके पास रहें तो तोड़ने में उसके आसान रहता है। तो खाओ,
तो ये खाना है, चलते हैं फटाफट फटाफट अपने लंच को। ये लंच है, बंच और लंच दोनों ही मिला लो, ये सारे साथ में ही बंच और लंच। तो ये फिनिश करते हैं, खाना अच्छा है। तो दोस्तों फटाफट लंच कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ से सामान लेके लगेज चेकआउट करेंगे, फिर आपसे वापस मिल लेंगे। चेकआउट के टाइम पे मिलेंगे काउंटर पे, पहले खाना खत्म कर ले फटाफट, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मिलते हैं।